शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सॉरी बेबी, कबाब में हड्डियां। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चाओ। चाओ। तो तुम भागने का कोशिश किया, तुम भूल गया कि हमारा एक इशारा पर पुलिस तुमको उस खून के इल्जाम में अभी गिरफ्तार कर सकता है। भागने की कोशिश कौन कर रहा था? उस माहौल में मेरा जरा दम घुट रहा था, इसलिए थोड़ी ठंडी हवा खाने चला है। शट अप, चालाक बनने की कोशिश मत करो। याद रखो, अगर आइंदा ऐसी हरकत कभी की तो इस पिस्टल की छह गोलियां तुम्हारे जिस्म के आर पार होगी, समझे? चिल्लाओ मत। जब तक तुम लोगों का काम वेनिस में नहीं हो जाता, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, तुम्हारा पासपोर्ट किधर है? अब तुम जहां भी चाहो खुली हवा में जा सकते हो। चलो मार्कनी, चलो चलें। ये क्या कर रहे हो जय? प्यार। झूठे, वहां तो उस लड़की के साथ डांस कर रहे थे, उसे लेकर भाग रहे थे। वो सब तो रियासत है शबनम, असली सीन तो अब शुरू होगा। नहीं जय, ऐसा मत करो। ये तो तुम चाहती हो। नहीं प्लीज। यस। नहीं नहीं, ये कोई तरीका है प्यार करने का? प्यार करने का तरीका बाद में सिखाऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम लोग हो कौन, असलियत क्या है तुम लोगों की, सरकारी डॉक्यूमेंट्स के पीछे क्या राज है, किसके इशारों पर चल के तुमने मुझे इस जाल में फंसा? मुझे कुछ नहीं मालूम, रमेश के सिवा मैं किसी को नहीं जानती। रमेश का बॉस कौन है? कह देना, मैं कुछ नहीं जानती। झूठ झूठ, तुम झूठ बोलती हो। जानती हो कौन सा फ्लोर है? पांचवा। सच सच बता दो वरना यहीं से तुम्हें फेंक दूंगा। नहीं नहीं पागलपन मत करो, मुझे यहाँ से फेंक दोगे, मार डालोगे तो भी नतीजा क्या होगा? तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हारा पासपोर्ट रमेश के पास है और वो तुम्हें सिर्फ मैं ही दिला सकती हूँ। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। आउट, गेट आउट। जय, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन याद रखो, अगर किसी दिन कोई तुम्हारे काम आएगा तो ये जलील लड़की ही काम आएगी। गुड नाइट। Good evening, Miss Mala. Good evening, Mr. Gomes. Meet my friend, Mr. Jeff from Bombay. How do you do, sir? चलिए अपनी favorite जगह ले लीजिए। तुम्हें मुझसे मिले थोड़े दिन हुए, फिर भी तुमने माला ये पुल देख रही है? ऐसा लगता है वहां दूर दोनों किनारे एक दूसरे से मिल गए हैं, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो नजदीकी दूरी ही बनी रहेगी। लेकिन मैं आपका मतलब नहीं समझी। मान लो हम दोनों की नजदीकी दूरी बन गई तो? ऐसा मत कहिए, हमारा मिलन अलग होने के लिए नहीं हुआ है, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और अगर किसी दिन तुम्हें ये पता चल गया कि मैं वो जय नहीं जिसका तुम इंतजार है तो? फिर बनाने लगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारी झूठी बात मान भी लूं तो मैं उसे दिल से निकाल दूंगी, और जिसे दिल में बसाया है उसी के दिल में बसी रहूंगी। हाँ, लेकिन वो मेरी भूल जाने वाली आदत, शादी के बाद सब कुछ भूल गया तो? बस इतनी सी बात, अगर तुम भूल भी गए तो मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगी। कैसे? हेलो, आप कौन?
रोम में आपसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा एक हमशक्ल है जो लिस्ट बना रहा है। दो दिन का वक्त हाथ में था, मैं उसी का पीछा करते यहाँ पहुँच गया, लेकिन वो यहाँ भी नहीं। ओह, अब मैं समझा, वो जरूर यहाँ आया है और उसने हमारा सारा काम बिगाड़ा है। क्या मतलब? मतलब कुछ मत पूछिए, आप फौरन रूम चले आइए और मुझसे मिलिए। मुझे डर है कहीं वो आपसे पहले इवानिस न पहुंच जाए। मिस्टर जय, तुम मूलत काय क्या बैठा है? हमारा वेनिस का ब्यूटी कितना फैंटास्टिक है। मैं कुछ सोच रहा था। तुम तो हमेशा सोचते ही रहते हो। इस बार मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए सोच रहा था। वहां पर सेठी है, उसने अगर मुझे तुम लोगों के साथ देख लिया, वो तुम लोगों को तो पहचानता ही है, काम खत्म होने से पहले ही तख्ता पलट जाएगा। यू डोंट वरी, हम उसको देखते ही शूट करेगा। शट अप मार्गन। थैंक यू वेरी मच जय, तुमने बहुत समझदारी की बात की। तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम लोग अलग अलग होटलों में ठहरे, तुम और मार्कोनी एक जगह, मैं और जय दूसरी जगह। यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। प्रियमाला, मैं माफी चाहता हूँ कि तुमसे बगैर मिले जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और धोखे में रखना नहीं चाहता। मैं वो जय नहीं हूँ जिसका तुम्हें इंतजार है। आशा है कि तुम्हारा जय तुम्हें जरूर मिल जाएगा, और हाँ, तुम्हारे साथ बिताए हुए कुछ दिन मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। जय जय। When is the next flight to Rome? 9:30. Can you book me a seat, please? Yeah. हेलो, मैं बैठ सकती हूँ? देखो भगा मत देना, थोड़ी ही देर में मैं खुद चली जाऊंगी। बहुत खूबसूरत जगह है, कोई मनचाहा साथी हो यहाँ तो कुछ दिन बड़े मजे से गुजर सकते हैं, लेकिन तुम तो कल ही चले जाओगे। तुम शायद भूल गई कि जिन शैतानों के साथ मैं फंसा हुआ हूं, वो काम खत्म होने के बाद अपने गुनाह का हर सबूत मिटा देंगे। रमेश की पिस्तौल की एक गोली पर मेरा नाम भी लिखा हुआ। नहीं जय, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। काम खत्म होने के बाद तुम आजाद हो जाओगे, मैं वादा करती हूँ। तुम जैसी लड़कियां वादा इसीलिए करती हैं कि उसे तोड़ सकें। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब मैंने तुम्हें प्यार के जाल में फंसाया, तब ये नहीं सोचा था कि शिकारी खुद शिकार बन जाएगा। खैर जाने दो, तुमने पूछा था ना सरकारी डॉक्यूमेंट्स का राज क्या है, तो सुनो, उस टेप्स में कुछ ऐसे नोट्स हैं जो किसी दुश्मन मुल्क को मिल जाए तो हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और असलियत जानते हुए भी तुम इन लद्दारों के साथ मिली हुई हो? मैं सिर्फ रमेश के इशारों पर चल रही थी। एक बात याद रखो, जिस दिन रमेश का काम पूरा हो गया, वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। शायद अब ऐसा ही हो, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे क्या करना है मैं उसका फैसला कर चुकी हूं। ये लो, अगर रमेश की पिस्तौल की एक गोली पर तुम्हारा नाम लिखा है तो इसकी हर एक गोली पर तुम्हारे बचाव का रास्ता लिखा है। और ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। ये अचानक मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों? हमदर्दी नहीं, मामूली सा तोहफा है एक जलील औरत की तरफ से अपनी नाकाम मोहब्बत के नाम पर। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी सदा से प्यार करूं या नफरत। नफरत तो तुम हमेशा करते हो, एक बार प्यार करके भी देख लो ना, कल तुम अपने लोगों की दुनिया में चले जाओगे। क्या आज की एक शाम भी मुझे नहीं दे सकते? कहां गए थे तुम दोनों? नाव की सैर करने। तुम यहाँ रोमांस करने के लिए नहीं आए हो, समझे? मैं यहाँ आया नहीं हूँ, तुम मुझे यहाँ लाए हो, इसलिए तुम्हारा काम करने से पहले मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर रहा था। बकवास, आज शाम को 6 बजे कैसीनो पहुंचना है। ये लो बैग, इसमें डॉलर्स है। असली या नकली? नकली, असली तुम्हें देने के लिए छोड़ रखे। तुम मुझे क्या देने वाले हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, कम ऑन शबन।
जाने ए तोता कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। मैं डेलीफ्रेंड हूँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बहुत देर कर दी आपने, मुझे तो आप ही का इंतजार था। कहिए क्या गड़बड़ हो गई? मुझे लगता है कि आपकी हम शक्ल ने कोलोशियम में हमारे आदमी को शूट कर दिया है और $50,000 लेकर भाग गया है। ओह माय गॉड, इसका ये मतलब हुआ कि उसे हमारी हर चाल का पता है। कल शाम वाली डील के लिए मुझे होशियार रहना पड़ेगा। डील कल शाम को नहीं है जनाब, बल्कि आज ही शाम को है। आज शाम को? जी हाँ, और वेनिस जाने के लिए 8 बजे से पहले कोई फ्लाइट नहीं है। आप कुछ कीजिए, प्लेन चार्टर कीजिए, हेलीकॉप्टर दीजिए, लेकिन अगर वो आदमी मुझसे पहले कसीनो पहुंच गया तो गजब हो जाएगा। रमेश, इन दोनों के ऊपर इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक नहीं है। तुम ठीक कहते हो मार्कनी। शबनम, आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। पता नहीं इसके बाद हम दोनों मिल पाते हैं या नहीं, लेकिन मेरे लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अपना ख्याल रखना। Guarda mais 23 em calado, 23 reais. Is lucky for me. Me too. I'm from Delhi. Delhi friend? Yeah. Follow me. Center page. Thank you.
Which way to the toilet? It's over there, please. Thank you. Call. Tell your friend. ठीक वक्त पर आए राम से दरवाजा बंद करो माय नेम इज सेठी हाउ डू यू बहुत तारीफ सुनी आपकी रकम लाए पहले टेप और कोड बुक स्मार्ट गाय अगर हम कुछ भी ना दें और तुम्हें भून डाले तो नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुमने वादा किया है हम वादा निभाना खूब जानते हैं डेली फ्रेंड ये रही फिल्म और कोड बुक थैंक यू ठहरो अगर हम रकम गिन ले तो कोई एतराज अगर मैं टेप सुन लूं तो कोई एतराज तुम टेप सुनते रहना हमें रकम गिन के लेनी है बिजनेस इज बिजनेस ओके यू पैसे चीज़ अपने अपने रिवॉल्वर से बस करो अब एक एक करते मुझे दो तुम बोले तुम अब देखता हूं कौन किसको भूल के रखता है काम हो गया क्या हाँ हो गया वेरी गुड टेप कहाँ है मेरे पास लाओ लेना है तो खुद ले लो जाए आउच ये क्या कर रहे हो शबनम ये क्या किया तुमने कभी नहीं बेवकूफ बचा दिया उसे रुको मत बेवकूफ उसे नहीं तुम्हें बचाया है यहाँ गोली चलाने का मतलब जेल की हवा खाना okay, है come on, follow him. तुम आ जाओ मार लो मेरे साथ आओ चलो चलो Hey, what was it?
कॉल मत कीजिए। वो क्या है मैं, अब क्या होगा, वो तो भाग गया। अरे भाग कर किधर जाएगा, वो जरूर लिस्ट बन गया होगा। हम है ना, चलो हमारे साथ। चलो उशिता क्वेश्चन। हाँ। टू लिस्बन। गेट नंबर टू प्लीज। थैंक यू।